अगली खबर पानीपत से। पानीपत के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में पूर्व मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने प्रेस वार्ता कर आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी ऐसा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार को बनाने में पिछड़ा वर्ग का अहम योगदान है। इस बार भी पिछड़े वर्ग ने भाजपा की सरकार लाने का मन बना लिया है। कांबोज ने नायब सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करना नायब सरकार की पिछड़ा वर्ग को नायब सौगात है। जो केंद्र सरकार ने की हुई है उसकी तर्ज पर यह होनी चाहिए। तो 23 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को स्वीकार करके इसकी घोषणा की है। और इसी प्रकार से जो हमने अपना मांग पत्र रखा था उसमें काफ़ी मांगे थी ओबीसी वर्ग से संबंधित। उसमें एक मांग ये भी थी कि जो हमारा ओबीसी वर्ग का बैकलॉग है बहुत से डिपार्टमेंट में, वो अभी काफ़ी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होनी है, वो खाली पड़ा है, और अगर उसको भरेंगे तो उससे ओबीसी समाज को बहुत फायदा मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी भी घोषणा की है कि जल्दी डिपार्टमेंट से जाना मंगवा करके सारी सूचनाएं लेकर के और जल्दी ओबीसी का जो बैकलॉग है उसको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। और साथ में जो ओबीसी के हमारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी 12,000 रुपये सालाना, और उसका आज महंगाई के हिसाब से वो कम थी। छात्रों को और मोटिवेट करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, उसको भी हमने निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी, उसमें भी थोड़ा इसको बढ़ा दें, तो उसको 20,000 रुपये करने का की घोषणा जो है मुख्यमंत्री जी ने की है। और जो एक मांग हमारी प्रमुख मांग है वो है क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर जो नियुक्तियाँ होती हैं उसमें ओबीसी वर्ग ए के लिए 16%, ओबीसी वर्ग बी के लिए 11%, जो मंडल कमीशन और अन्य कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है, तो इस हिसाब से हमारी वो भर्तियाँ होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कई